हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जुलाई अगस्त मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सीएचएसएल सीजीएल 2020 के एग्ज़ाम में बुक एंड ऑथर्स टॉपिक से क्वेश्चन आया था और अब जो है एमटीएस जीडी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स में टोटल 8 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी बार बार पूछा जाता है इन टॉपिक्स से। इसीलिए आप लोगों को जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक का करेंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाना है। करेंट अफेयर्स का वेटेज जो है 7 to 8 क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं एग्ज़ाम में। ये जो एमटीएस जीडी और स्टेनो का भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी 7 to 8 क्वेश्चन 110% है कि पूछे जाएंगे। इसीलिए जीके में अगर अच्छा स्कोर करना है तो करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करते हुए अभी से चलना है। और आने वाले इन एक मंथ के अंदर में मैं आपको इन 8 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करवाने के साथ साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी आपको करवा देंगे और एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले जो है आप लोगों के लिए रिविज़न टेस्ट भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इम्पॉर्टेंट सेशन। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा लिखा गया बुक है? तो केजे अल्फोंस के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ओके, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये किसके अल्फाजों में लिखा गया है? केजे अल्फोंस के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल फील्ड के ऑथर कौन है? विश्राम बेदकर। अब देखिए, बैटल करने के बाद अब आपको क्या करना है? विश्राम करना है। क्वेश्चन दिखे आपको एग्जाम में कि बैटल फील्ड, इसके ऑथर अगर पूछे आपसे तो बस आपको ध्यान क्या लगाना है कि बैटल के बाद आपको क्या करना है? विश्राम। बैटल के बाद विश्राम, यानी कि बैटल फील्ड के ऑथर कौन है? विश्राम बेदकर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, ऑपरेशन खुकरी, इसको किसने रिलीज किया है इस बुक को? तो जनरल रावत ने किया है। और इसके ऑथर कौन है? तो मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया जो है इस बुक के ऑथर है, ऑपरेशन खुकरी। नेक्स्ट, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसके ऑथर कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो कि एक रिनाउन राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ओके, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, इसके ऑथर कौन है? मनन भट्ट। 2019 में जो एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, तो इसको अभी तक लोग मनन करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो बस बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 के ऑथर कौन है? मनन भट्ट। नेक्स्ट, माई ओन मजगांव, इसके ऑथर कौन है? कैप्टन रमेश बाबू। कैप्टन रमेश बाबू जो हैं माय ओन मजगांव के ऑथर हैं। नेक्स्ट, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इसके ऑथर कौन है? अशोक लवासा। याद रहेगा ये बुक, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ऑथर्ड बाय अशोक लवासा। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन है? एम वेंकैया नायडू। इन्होंने एक बुक रिलीज किया है, उस बुक का नाम क्या है? पालेकु पटाभिषेकम। ओके, ये हैं, ठीक है, कौन सा बुक है ये? पालेकु पटाभिषेकम। इसके ऑथर कौन है? फॉर्मर एमपी याल मंचिली शिवाजी। ठीक है, तो याल मंचिली शिवाजी के द्वारा ये बुक लिखा गया है पालेकु पटाभिषेकम, और इसको रिलीज किया है एम वेंकैया नायडू। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है पता है? क्वेश्चन आ जाता है कि जो एम फॉर्मर एमपी के द्वारा, ये तो नहीं, फॉर्मर एमपी तो नहीं लिखेगा, डायरेक्ट लिख देगा कि याल मंचिली शिवाजी ने एक बुक लिखी है पालेकु पटाभिषेकम, इस बुक को किसने रिलीज किया? तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि एम वेंकैया नायडू इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, इस बुक के ऑथर कौन है? अशोक चक्रवर्ती। अशोक चक्रवर्ती हैं इस बुक के ऑथर, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, ऑथर्ड बाय अशोक चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट कॉपी ऑफ
द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी विच इज़ रिटन बाई लेट बलजीत कौर तुलसी। तो बलजीत कौर तुलसी के द्वारा ये बुक लिखा गया है, ये फर्स्ट कॉपी है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, जिसको रिसीव किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है द लाइट ऑफ एशिया, ये कौन है, इसको किसने लिखा है, जयराम रमेश ने, जयराम रमेश की ये किताब है द लाइट ऑफ एशिया। अब देखिए जय है और राम है, तो राम जी की जय हो, राम जी जो है ये लाइट ऑफ एशिया हैं, ठीक है, ऐसा आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया के ऑथर कौन है, जयराम रमेश। नेक्स्ट है लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वोमेन इन मेडिसिन, इसके ऑथर कौन है, कविता राव हैं इसके ऑथर। लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वोमेन इन मेडिसिन हैज ऑथर्ड बाय कविता राव। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जस्टिस एन वी रमना, इन्होंने एक बुक रिलीज किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज आर वी रविंद्रन बुक, आर वी रविंद्रन की जो किताब है अनमोलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, एनोमोलीज इन लॉ एंड जस्टिस, इसके ऑथर कौन है, आर वी रविंद्रन, और इसको किसने रिलीज किया है, एन वी रामना ने, ठीक है, ये भारत के चीफ जस्टिस है एन वी रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ लायन एसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, इसके ऑथर कौन है, वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन। ओके, वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन के द्वारा ये बुक लिखा गया है द फोर्थ लायन एसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। नेक्स्ट है करीना कपूर खान ने अनाउंस किया है अभी अपना एक नया बुक, करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल, ये किसकी किताब होगी, करीना कपूर खान की। नेक्स्ट है बीमल जालान, तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ये रह चुके हैं बीमल जालान, इनकी एक नई किताब है द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी किसकी किताब है, बीमल जालान की। नेक्स्ट है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, उन्होंने अनाउंस्ड किया है अपना ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ओके, द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी होगी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, ठीक है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, द स्ट्रगल इन द मिरर। द अर्थ स्पिनर, द अर्थ स्पिनर ये किसके द्वारा लिखा गया है बुक, तो अनुराधा रॉय के द्वारा, ये अवार्ड विनिंग नॉवलिस्ट हैं, ठीक है, इनको बहुत सारा अवार्ड भी मिल चुका है, इनका नाम क्या है, अनुराधा रॉय, ये है अनुराधा रॉय, इनकी ये किताब है द अर्थ स्पिनर, द अर्थ स्पिनर। ओके, धवल कुलकर्णी, धवल कुलकर्णी के द्वारा भी एक किताब लिखी गई है नाथूराम गॉडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। ओके, तो धवल कुलकर्णी के द्वारा जो किताब लिखा गया है उसका नाम क्या है, नाथूराम गॉडसे, गांधी के हत्यारे की सच्ची कहानी, ठीक है, धवल कुलकर्णी। तो ये रहे जुलाई और अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।